और 10 में भी उपलब्ध हैं, विशेषकर कौन पुस्तक से लिया गया है। पहला सवाल है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का अंतर क्या है? चार ऑप्शन है, पहला है जन्म दर और मृत्यु दर, दूसरा साक्षरता दर और लिंगानुपात, तीसरा जनघनत्व और जन्म दर, चौथा मृत्यु दर और लिंगानुपात। बताइए इन चारों में कौन सही है। यहाँ पर देखिए, इसका सही आंसर एक है, जन्म दर और मृत्यु दर। प्रश्न संख्या दो, जनगणना का महत्व सर्वप्रथम ईसा पूर्व भारत में किसके शासनकाल में समझ गया था? पहला ए सम्राट अशोक, दूसरा सम्राट बिंदुसार, तीसरा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, चौथा सम्राट अजातशत्रु। यह इन चारों में कौन सही है, ये बताइए। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में लोग समझ गए थे ईसा पूर्व को। ठीक है, आगे तीसरा नंबर, बिहार में पहला जनगणना कार्य कब हुआ था? जी हाँ, बिहार में पहला जनगणना कार्य कब हुआ था? 1872-73 में, 1873-74 में, 1882-83 में, 1992-93 में। यहाँ इन चारों में कौन सा सही है, बिहार में पहला जनगणना? इसका आंसर एक है, 1872-73 में हुआ था। ठीक है, आगे चौथा नंबर, बिहार में क्रमबद्ध जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी? एक 1871 में, दो 1881 में, तीन 1891 में, चार 1901 में। यह बताइए क्रमबद्ध जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, बताइए इन चारों में कौन सही है। इसका आंसर दो है, 1881 में, और नियमित जनगणना भारत में 1881 में ही हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा सवाल, किस वर्ष की जनगणना बिहार की स्वतंत्र अस्तित्व प्रांत के आधार पर की गई थी, ये बताइए। एक 1911, दो 1921, तीन 1931, चार 1941। जी हाँ बताइए, इन चारों में कौन सही है। जी हाँ बताइए, इसका आंसर चार है, 1941 में। ठीक है, आगे छठा नंबर, किस समाजशास्त्री ने जनकीय संकेत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? पहला फ्रैंक, दूसरा डब्लू एम थॉमस, तीसरा माल्थस, चौथा इनमें से कोई नहीं। यह बताइए इसका आंसर कौन सही है। इसका आंसर दो है, डब्लू एम थॉमस। आगे चलते हैं सातवां नंबर, जनसंख्या विवरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? पहला कृषि योग्य भूमि, दूसरा सभ्यता की अवस्था, चौथा स्थानों की सफलता, तीसरा स्थानों की सफलता, चौथा उपयुक्त सभी। बताइए इन चारों में कौन सा सही है। यहाँ इसका आंसर चार है, ये सभी सही आंसर है, कृषि योग्य भूमि, सभ्यता की अवस्था, तीसरा स्थानों की सभ्यता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आठवां नंबर, जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं हैं, इनमें से कौन सही है? जनसंख्या वृद्धि की समस्याएं हैं, इन सभी में से कौन सही है, बताइए। पहला बेरोजगारी, दूसरा निम्न जीवन स्तर, तीसरा कृषि संसाधनों की कमी, चौथा उपयुक्त सभी। इनमें से कौन सही है? चार उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे नौवां नंबर, किस वर्ष की जनगणना कार्य जनगणना जनकीय संक्रमण यानी संक्रमण सिद्धांत के आधार पर हुई थी? यहाँ 1931, 1941, 1951 और 1961, इन चारों में कौन सही है? एक 1931, दो 1941, तीन 1951, चार 1961। ये बताइए, इसका सही आंसर है 1951। ठीक है, आगे
दश, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनगणना कार्य किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किया जाने लगा? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनगणना कार्य किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किया जाने लगा है? जी हाँ मित्रों, सवाल समझने की सब जितने भी सवाल हैं मिलता जुलता होता है, कुछ न कुछ अंतर होते हैं। सवाल ध्यान से सुनें और पढ़ें, उसके बाद आंसर दें। चलते हैं आगे, देखते हैं इसका आंसर। प्रश्न देखते हैं, ऑप्शन, जनगणना अधिनियम 1947 एक, दूसरा जनगणना अधिनियम 1948, तीसरा जनगणना अधिनियम 1949, चौथा जनगणना अधिनियम 1950। इन दोनों चारों में कौन सही है? इसका आंसर दो है, जनगणना अधिनियम 1948। ठीक है, आगे 11 नंबर, न्यू जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी? न्यू जनसंख्या नीति की घोषणा कब की गई थी, ये बताइए। 15 जनवरी 2000, 15 फरवरी 2000, 15 मार्च 2000 और 15 अप्रैल 2000, इन चारों में कौन सही है? सब 2000 में हुआ था, इसलिए डेट याद रखें इसका। 15 फरवरी 2000 इसका आंसर दो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 12 नंबर, 2011 की जनगणना का क्रम क्या है? मान लो केवा है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पांचवा, इस तरह से। ठीक है, 12वां है एक, दूसरा 13वां है, तीसरा 14वां है, चौथा 15वां है, इन चारों में कौन सही है? यहाँ 2011 की जनगणना जो है 15वां है। अब जो होने वाली थी जो हुई नहीं 2021 में, वह 16वां थी। ठीक है, आगे, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? यहाँ बताइए जिनको ने चारों में से। दस करोड़ 40,99,451, 10,40,99,452, 10,40,99,453, 10,40,99,454, चारों में कौन सही है? यहाँ ये मोबाइल की तरह याद करना जरूरी है, या दो दो अंक याद करें। इसका आंसर दो है, 10,40,99,452। इसको इस तरह से याद करें, 10,40,99,452, 10,40,99,452। ठीक है, आगे 14 नंबर, बिहार की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? जी हाँ, बिहार की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है, ये बताइए। 8.58%, दूसरा 8.59%, तीसरा 8.60%, चौथा 8.81%। जी हाँ, इसका आंसर क्या है? तय, इसका आंसर 3 है, 8.60, या ये भी कह सकते हैं 8.6। ठीक है, आगे 15 नंबर, जनसंख्या के आधार पर बिहार का स्थान देश में क्या है? जनसंख्या के आधार पर बिहार का स्थान देश में क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये बताइए कौन है? यहाँ तीसरा है, इसका आंसर तीसरा। ठीक है, आगे 16 नंबर, बिहार की जनसंख्या की दशकों वृद्धि का प्रतिशत क्या है? यानी दशक जो है 10 वर्षीय, दशक वृद्धि क्या है 2001 से 2011 तक? 25.3%, 25.4%, 25.5%, 25.6%। ऐसे तो दशमलव नहीं पूछा जा रहा है, लगभग पूछा जाना चाहिए, ऐसे 25% ही है, लेकिन एक्यूरेट पूछा जाए तो दशमलव में आता है। इसका आंसर होगा 25.4%। ठीक है, आगे 17, जनसंख्या वृद्धि दर में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? यहाँ जनसंख्या वृद्धि में, यहाँ 1 5वां, 2 6ठा, 3 7वां,
और चार आठवां, ये बताइए कौन सा है इसका सेंस। दो छठा स्थान है, ठीक है। 18 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर का प्रतिशत क्या है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर का प्रतिशत क्या है। 61.6%, दूसरा 61.7%, तीसरा 61.8%, चौथा 62.9%। यहाँ इसका बताइए कौन सा सही है। 61.7%। आगे 19 नंबर, बिहार में पुरुष साक्षरता दर का प्रतिशत क्या है। बिहार में पुरुष साक्षरता दर का प्रतिशत क्या है, यह बताइए। 71.1%, 71.2%, 71.3%, 71.4%। इसका आंसर है 71.2%, ठीक है। आगे बिहार की महिलाओं में साक्षरता दर का प्रतिशत क्या है। 51.5%, 51.6%, 51.7%, 51.8%। बताइए इन चारों में कौन सही है। इसका आंसर एक है, 51.5%। 21 नंबर, साक्षरता दर के संदर्भ में बिहार का स्थान देश में क्या है। साक्षरता दर के संदर्भ में बिहार का स्थान देश में क्या है, ये बताइए। 32वां है, 33वां है, 34वां है या 35वां है। इसका आंसर 4 है, 35वां है, ठीक है। आगे 22 नंबर, बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। 15.6%, 15.7%, 15.8%, 15.9%, इन चारों में कौन सही है। इसका आंसर 4 है, 15.9%। आगे बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, ये बताइए। 88.5%, 88.6%, 88.7%, 88.8%, इन चारों में कौन सही है। इसका आंसर 3 सही है, 88.7%। आगे बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है। पहला 11.3%, दूसरा 11.4%, तीसरा 11.5%, चौथा 11.6%। बताइए इन चारों में कौन सा सही है। इन चारों में एक सही है, 11.3%। आगे जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जनघनत्व में कितना वृद्धि हुई है। यहाँ जनघनत्व में इसका 224, दूसरा 225, तीसरा 226, चौथा 227, ये बताइए इसका आंसर क्या है। 226, ठीक है। आगे बिहार में ग्रामीण जनघनत्व क्या है। 1006, 1007, 1008, 1009, ये बताइए। इसका आंसर एक है, 1006। बिहार का लिंगानुपात क्या है, अर्थात हजार पुरुषों में महिलाओं की संख्या क्या है। यहाँ इससे पहले हेडमास्टर की परीक्षा आया था माध्यमिक का, उसमें ये पूछा गया था। 915, 916, 917, 918, जी बताइए इन चारों में कौन सही है। 918, हजार पुरुषों पर स्त्रियां हैं 918, ठीक है। आगे बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन सा है। पटना 1, 2 भागलपुर, 3 गया, 4 मुजफ्फरपुर, जी बताइए इन चार में से कौन सही है। जी आपका गैसिंग सही है आप लोग का, पटना। ऐसे बिहार की राजधानी ही पटना है, इसलिए यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। 29 नंबर, बिहार का कौन सा जिला, कौन सी है, गलत लिखा गया है, बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक साक्षर है, ये बताइए। पहला पटना, दूसरा रोहतास, तीसरा भोजपुर,
चौथा मुंगेर, अभी से पहले बताया था। जी हाँ, रोहतास, यहाँ की साक्षरता दर 73.4% है, इसका आंसर 2 है। ठीक है, आगे। बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जी हाँ, एक शेखपुरा, दूसरा शिवहर, तीसरा अरवल, चौथा लखीसराय, इसका आंसर 1 है, शेखपुरा। आगे 31 नंबर, बिहार का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा। जी हाँ, न्यूनतम साक्षरता वाला, ये बताइए कौन सा है, इसका आंसर 2 है, पूर्णिया। आगे, बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला, बिहार का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? पहला शिवहर, दूसरा पटना, तीसरा दरभंगा, चौथा वैशाली, इन चारों कौन सही है? इसका आंसर 1 है, शिवहर। आगे, बिहार का न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? एक जमुई, दूसरा बांका, तीसरा पश्चिम चंपारण, चौथा कैमूर, इन सभी में कौन सही है? इसका आंसर 4 है, कैमूर। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? अगर यहाँ तक आप बने रहे हैं मित्रों, तो एक लाइक तो जरूर बनता है, और नहीं बनता है तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक। ठीक है, देखते हैं, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? गोपालगंज, सिवान, सारण, शिवहर। जी हाँ, बताइए, इसका आंसर 1 है, गोपालगंज। 1000 पुरुषों पर 228 स्त्रियाँ हैं। ठीक है, आगे, 35 नंबर, बिहार का न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? भागलपुर 1, दूसरा मुंगेर, तीसरा खगड़िया, चौथा शिवहर, कहाँ है बताइए? इसका आंसर 2 है, मुंगेर। यहाँ तक बने लेके थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं,